तो श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को समुद्र मंथन की कथा सुना रहे हैं। देवता और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन का मन बनाया। समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, मंथन आरंभ हुआ। उस मंथन से बहुत सारे रत्न निकले, उच्चैःशवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, कामधेनु गैया मैया का प्रकट हुआ। जो गौ माता है ये समुद्र से प्रकट हुई है और इनका प्रागट्य हुआ है कार्तिक अमावस्या को। जो कार्तिक अमावस्या को आप हम सब दीपावली के रूप में मनाते हैं, उसी कार्तिक की अमावस्या को यानी दीपावली के दिन शाम को संध्या को लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं और प्रातः काल को गौ माता प्रकट हुई। इसलिए सब भारतीय परंपरा यही कहती है कि दीपावली वाले दिन प्रथम प्रातः काल गौ माता का पूजन करें और संध्या को लक्ष्मी जी का पूजन करें। लेकिन हमने अपनी काम काम की बात तो याद रखी, लक्ष्मी जी का पूजन तो रात को पिटारा खोल के सब बैठ जाते हैं कि लक्ष्मी जी आओ हमारे ही घर आओ, लेकिन गौ माता को सब भूल जाते हैं कि उनकी भी पूजा करनी। और केवल कार्तिक अमावस्या की बात नहीं है, कोई भी आपका दिन का कोई भी शुभ कार्य हो उस हर कार्य में आपको हर स्थान पर गौ माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए।